नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशु गुप्ता। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज प्लॉट आसान मासिक किस्तों पर। भागलपुर पुलिस ने 24 घंटे के भीतर मुख्य हत्याकांड का किया खुलासा। अवैध संबंध को लेकर महिला ने की थी हत्या। बकरीद के दौरान विधि व्यवस्था को लेकर जोनल आईजी ने पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक। अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की कही बात। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर डीएम प्रणव कुमार ने बुनकरों को किया सम्मानित। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की दी जानकारी। खाना बनाने के दौरान कांवरिया पथ पर गैस सिलेंडर हुआ ब्लास्ट। एक कांवरिया की हुई मौत, एक की हालत गंभीर। और स्नातक में दाखिले को लेकर छात्रों ने जमकर काटा बवाल। एनएस जामकर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। और अब खबरें विस्तार से। महज 24 घंटे के अंदर भागलपुर पुलिस ने अमरपुर फतेहपुर पंचायत के मुखिया रविंद्र दास हत्याकांड मामले का खुलासा कर दिया है। घटना में संलिप्त महिला मीना देवी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। विधि व्यवस्था डीएसपी निसार अहमद शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी दी है। डीएसपी ने कहा कि मुखिया की हत्या अवैध संबंध को लेकर की गई थी। डीएसपी ने कहा कि कांड के उद्भेदन के लिए एसआईटी का गठन किया गया था, जिसमें तकनीकी एवं मानवीय अनुसंधान के आधार पर पवई गांव निवासी मीना देवी को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान मीना ने मुखिया के साथ अवैध संबंध होने की बात कही। वहीं मुखिया मीना को अपने साथ रखना चाहता था, लेकिन मीना इसके लिए तैयार नहीं हुई, जिसके बाद मीना ने अपने नंदोशी रंजीत दास और उसके दो सहयोगी के साथ मिलकर मुखिया की चाकू गोदकर हत्या कर दी और शव को सवौर थाना क्षेत्र के पथरा बहियार में सड़क किनारे फेंक दिया। डीएसपी ने कहा कि घटना में शामिल अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है, जल्द ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सबौर थाना अंतर्गत पथरा बहियार से एक अज्ञात शव बरामद हुआ। तत्काल पुलिस अधीक्षक वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर द्वारा डीएसपी विधि व्यवस्था के नेतृत्व में टीम का गठन कर मामले को तुरंत अनुसंधान करने का आदेश प्राप्त हुआ। तकनीकी अनुसंधान के तहत मीना देवी पति सीताराम दास साकिन पवई थाना अमरपुर को गिरफ्तार किया गया, जिनके द्वारा घटना में संलिप्त होने का की बात बताई गई और घटना में शामिल रंजीत दास और अन्य का नाम बताया गया, इस नाम को गोपनीय रखा गया। इन जिनके तुरंत गिरफ्तार की गई एक साजिश के तहत अवैध संबंध के चलते इनके द्वारा बुलाकर इनकी हत्या की गई है, क्योंकि प्रेम प्रसंग चलते इन पर मुखिया द्वारा बार बार दबाव दिया जा रहा था कि आप मेरे साथ रहिए। बकरीद पर्व को लेकर बुधवार को आईजी विनोद कुमार ने नाथनगर थाना में एसएसपी आशीष भारती, सिटी डीएसपी राजभवन सिंह समेत कई थाना के थानाध्यक्षों के साथ समीक्षात्मक बैठक की। बैठक के दौरान आईजी ने पुलिस पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिया। आईजी ने कहा कि पर्व त्योहार के अवसर पर अफवाह फैलाने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। वहीं आईजी विनोद कुमार ने एसएसपी आशीष भारती से बकरीद पर किए गए सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली। हम लोग रिव्यू करने आए थे कि बकरीद वगैरह में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए थाना स्तर पर क्या तैयारी की गई है, उसी की समीक्षा करने के लिए आए। सर, पूरे जिले की थानाध्यक्ष यहाँ पहुँचे? पूरे जिले का नहीं है, केवल एक अनुमंडल का है, 8-10 थाने हैं। सब ठीक ठाक है, सब हम लोग संतोषजनक है तैयारी। सभी अपने इंचार्ज अपने अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सक्षम। देश में लगातार बढ़ रही मॉब लिंचिंग की घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन के अनुपालन को लेकर बुधवार को बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में डीजीपी ने तहसीन पुनावाला द्वारा मॉब लिंचिंग पर जनहित में जारी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के अनुपालन की समीक्षा की। भागलपुर के समाहरणालय परिसर स्थित एनआईसी भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जोनल आईजी विनोद कुमार, रेंज डीआईजी विकास वैभव एवं एसएसपी आशीष भारती से डीजीपी ने मॉब लिंचिंग की घटना पर लगाम लगाने के सख्त निर्देश दिए और कहा कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। दोषी को सजा देने का काम कानून का है और कानून का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार की ओर से बुनकर सेवा केंद्र कंचनगढ़ बराड़ी के द्वारा भागलपुर के एक होटल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला अधिकारी प्रणव कुमार, उद्योग विस्तार पदाधिकारी विश्वकांत, बुनकर सेवा केंद्र के उपनिदेशक हीरालाल और एनएस गहलोत ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद आगत अतिथियों का स्वागत अंग वस्त्र और बुके देकर किया गया। वहीं जिला अधिकारी प्रणव कुमार ने राज्य स्तर पर पुरस्कृत बुनकरों को सम्मानित किया। जिला अधिकारी प्रणव कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य बुनकरों द्वारा बनाए गए वस्त्रों को बढ़ावा देना है, साथ ही भारत सरकार और बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी देना है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर बुनकर सेवा केंद्र भागलपुर द्वारा रंगाई छपाई और आकर्षित डिजाइन के बने कपड़ों की प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। इस अवसर पर सेंट्रल सिल्क बोर्ड के सम्मानित एक्सपोर्टर, डिजाइनर्स, विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं बिहार के अलग अलग जिलों से आए बुनकर समेत भागलपुर के सुरेंद्र कुमार, मोहम्मद बाबुल, नरेश तांती, मोहम्मद इसराइल समेत कई लोग मौजूद थे। हथकरघा दिवस हर साल 7 अगस्त को मनाया जाता है। हथकरघा दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि जितने भी हथकरघा बुनकर हैं उनको भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही स्कीमों के बारे में विस्तृत जानकारी देना और सभी लोगों को यह जानकारी देना कि जो हमारे बुनकर बंधु हैं उनके द्वारा बनाए गए कपड़ों का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें, प्रयोग में लाएं, जिससे कि ये बुनकर अपने हुनर से अच्छे अच्छे कपड़े बनाते हैं, तो इन कपड़ों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें और जितने भी लोग हैं हमारे देश के, भागलपुर के, बिहार के और हमारे देश के सभी लोगों से अनुरोध है कि ये हथकरघा दिवस पे हथकरघा से बने हुए कपड़े को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदे। बांका के जिलेबिया मोड़ कांवरिया पथ पर खाना बनाने के दौरान अचानक सिलेंडर ब्लास्ट कर गया। इस घटना में एक कांवरिया की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक की हालत गंभीर बनी हुई है। घायल कांवरिया को इलाज के लिए बांका अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक कांवरिया की पहचान उत्तर प्रदेश के झकई थाना क्षेत्र संत कबीर निवासी बाबूलाल चौहान के रूप में हुई है, जबकि घायल कांवरिया की पहचान देवरिया जिले के बढ़िया तिवारी गाँव निवासी रोहित कुमार के रूप में हुई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि कांवरिया पथ पर कांवरियों का जत्था खाना बना रहा था, इसी दौरान सिलेंडर ब्लास्ट कर गया जिसकी चपेट में आने से कांवरिया की मौत हो गई। वहीं कटोरिया पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बीए पार्ट 1 नामांकन के नियमों में तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय द्वारा किए गए बदलाव के कारण सैकड़ों छात्र छात्राओं का नामांकन नहीं हो पा रहा है। ऑनलाइन आवेदन के बाद विश्वविद्यालय की 3 सूची जारी होने पर कुछ छात्रों का नामांकन तो हो गया है लेकिन आधे से अधिक छात्र छात्राओं नामांकन अब विश्वविद्यालय के नियमों में किए गए बदलाव के कारण अधर में लटका हुआ है। नामांकन नहीं होने से छात्र परेशान है। वहीं नामांकन नहीं होने के कारण बुधवार को नगछिया के बनारसी लाल सराफा महाविद्यालय के छात्रों ने नगछिया NH 31 रोड पर हंगामा करते हुए टायर जलाकर आगजनी की और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और नियमों में किए गए बदलाव का विरोध किया। छात्र धीरज कुमार ने बताया कि विश्वविद्यालय की गलती के कारण एडमिशन नहीं हो पा रहा है। वहीं NH 31 जाम की सूचना पर नगछिया थाना, गोपालपुर थाना, नगछिया अंचलाधिकारी और नगछिया कार्यपालक पदाधिकारी आए और उर्ग हुए छात्रों को समझा बुझाकर जाम हटवाया। इसके बाद सभी छात्रों द्वारा एक लिखित आवेदन नगछिया SDO मुकेश कुमार को लिख कर दिया गया। आवेदन के आलोक पर अनुमंडल कार्यालय में SDO मुकेश कुमार ने सभी विद्यार्थियों के साथ बैठक कर समस्या का निदान निकालने की बात कही। मालूम हो कि शनिवार को नगछिया के GB कॉलेज में भी पार्ट 1 में नामांकन से वंचित सैकड़ों छात्रों ने जमकर हंगामा किया था और मंगलवार को मदन अहिल्या महिला महाविद्यालय में भी छात्राओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ हंगामा करते हुए कुलपति का पुतला दहन किया था। परेशानी यही है कि जब अप्लाई का डेट निकला था तो हम अप्लाई किए थे, इसमें मेरा नाम भी निकला। नाम निकलने के बाद एक दिन उसमें डेट था, नाम निकला कितना से इतना तारीख तक एडमिशन होगा। एक दिन लेट हो जाने के वजह से जब एक दिन नहीं आ सके, आने के बाद दूसरे दिन ये बोलता है कि नहीं कि अब तुम्हारा एडमिशन नहीं होगा। बनारसी लाल सराफ कॉलेज का यहाँ का प्रिंसिपल बोलता है कि हम कुछ नहीं जानते हैं, ये बात यूनिवर्सिटी से जाके बोलो। बांका के कटोरिया बाजार में बुधवार को श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर दिवंगत भाजपा नेत्री स पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। बिहार राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर निक्की हेम्ब्रम ने दिवंगत भाजपा नेत्री की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी, साथ ही 2 मिनट का मौन रखकर ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना की। इस मौके पर सुजेंद्र गुप्ता, अमित शाह, सन्नी चौधरी, कुंदन सिंह, संजीव सिंह सहित काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे।
केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के विरोध में बुधवार को वाम दलों ने संयुक्त रूप से भागलपुर समाहरणालय परिसर में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। भाकपा माले, भाकपा एवं माकपा के नेतृत्व में निकाला गया प्रदर्शन जुलूस समाहरणालय परिसर पहुंचा और केंद्र सरकार पर जम्मू कश्मीर की स्वतंत्रता, भारतीय लोकतंत्र एवं संविधान पर हमला करने का आरोप लगाया। इस दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब तक जम्मू कश्मीर से हटाई गई धारा 370 को पुनः बहाल नहीं किया जाएगा, तब तक वामदल पूरी मजबूती से इस फैसले का विरोध करते रहेंगे। साथ ही कहा कि किसी भी प्रकार का फैसला लेने से पूर्व सदन और जनता की सहमति लेनी जरूरी होती है, लेकिन सरकार ने बिना जम्मू कश्मीर की जनता की बात सुने तानाशाही तरीके से फैसला किया है। इस मौके पर भाकपा माले के राज्य कमेटी सदस्य एसके शर्मा, नगर प्रभारी मुकेश मुक्त, भाकपा के जिला सचिव सुधीर शर्मा, माकपा के जिला सचिव दशरथ प्रसाद, विंदेश्वरी मंडल समेत काफी संख्या में वाम दलों के नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए सिल्क टीवी। ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए लेकर आए हैं प्लॉट्स आसान मासिक किस्तों पर। स्टेट हाईवे के पास गोनूधाम और जगदीशपुर में 14,000 और 18,000 की आसान किस्तों पर। ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज सिकंदरपुर नियर पानी टैंकी भागलपुर, मोबाइल नंबर 7079446584 8430075573। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त भागलपुर जिले का प्रतिष्ठित ताड़र महाविद्यालय ताड़र में सत्र 2019-20 के लिए कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स में नामांकन जारी है। आज के इस अत्याधुनिक युग में कंप्यूटर की जानकारी विशेषकर छात्रों में रोजगार परक साबित हो रही है। इस कोर्स में बेसिक कंप्यूटर कंसेप्ट, एमएस ऑफिस, वर्ड प्रोसेसिंग, एमएस एक्सेल, एमएस पावरपॉइंट शामिल है। नित नई सफलता प्राप्त कर रहे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह द्वारा छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए महाविद्यालय में अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, सुसज्जित पुस्तकालय एवं एक्सपर्ट शिक्षकों की संपूर्ण व्यवस्था की गई है, जो छात्रों को संबंधित कोर्स में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सके। इच्छुक छात्र छात्राएं 25 जुलाई से महाविद्यालय से नामांकन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं या मोबाइल नंबर 9431689547 या 7979051039 पर संपर्क कर सकते हैं। भागलपुर के कलगांव में श्री बाबा बटेश्वरनाथ महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि श्री बाबा बटेश्वरनाथ पहुँच कर आयोजन को सफल बनाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। निगरानी ब्यूरो की टीम ने मंगलवार को त्रिवेणीगंज सीओ ध्रुव कुमार को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था, जिसके बाद निगरानी की टीम घुसखोर सीओ को लेकर भागलपुर कोर्ट पहुंची, जहां न्यायालय के समक्ष सीओ को पेश किया, जिसके बाद पुलिस सुरक्षा में घुसखोर सीओ को जेल भेज दिया गया। दरअसल सिकेंद्र पासवान ने लगान रसीद निर्गत करने के नाम पर सीओ द्वारा 15,000 रुपये रिश्वत मांगने की शिकायत निगरानी ब्यूरो से की थी, जिसके बाद निगरानी की टीम ने सत्यापन के बाद घर में 15,000 रुपये घूस लेते सीओ ध्रुव कुमार को धर दबोचा। भागलपुर नगर निगम की ओर से बुधवार को डिक्सन रोड से स्टेशन चौक तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। सीओ सोनू कुमार भगत एवं सिटी मैनेजर की मौजूदगी में नगर निगम अतिक्रमण दस्ता और पुलिस बलों ने सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को खाली कराया और दोबारा से अतिक्रमण नहीं करने की हिदायत अतिक्रमणकारियों एवं दुकानदारों को दी गई। जेसीबी की मदद से जगह जगह किए अतिक्रमण को खाली कराने के दौरान माइकिंग कर किसी भी प्रकार से अतिक्रमण नहीं करने और कानून का पालन नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। इस दौरान पूरे मार्ग में अफरा तफरी मची रही, जबकि कई दुकानदारों, फुटपाथ विक्रेताओं ने खुद ही सामानों को हटा लिया।
जम्मू कश्मीर में धारा 370 खत्म होने के बाद जिले की पुलिस अलर्ट है। इसको लेकर बुधवार को विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। बकरीद स्वतंत्रता दिवस और विषहरी पूजा को देखते हुए शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिसकर्मी वाहन चालकों को ट्रैफिक रूल्स पालन करने की नसीहत दे रहे थे। वहीं भागलपुर समाहरणालय के समीप ट्रिपल लोडिंग और बिना हेलमेट के यात्रा कर रहे कई वाहन चालकों से पुलिस ने जुर्माना राशि वसूल की। इस दौरान कई वाहन चालक पुलिस को देख दूसरे रास्ते से निकल गए। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में संविदा पर कार्यरत कर्मियों को पिछले 2 माह से वेतन का भुगतान नहीं हुआ है। वेतन नहीं मिलने से संविदा कर्मियों में आक्रोश है। वेतन भुगतान की मांग को लेकर बुधवार को कर्मचारी प्रशासनिक भवन में एकत्र हुए और जून जुलाई माह की सैलरी नहीं मिलने पर नाराजगी जाहिर की। इसके बाद 2 दर्जन से अधिक संविदा कर्मियों ने रजिस्ट्रार कर्नल अरुण कुमार सिंह से मुलाकात की। कर्मियों ने रजिस्ट्रार को बताया कि पिछले 2 माह से वेतन नहीं मिलने के कारण रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है और घर परिवार चलाना मुश्किल है। वहीं रजिस्ट्रार कर्नल अरुण कुमार सिंह ने कर्मियों की मांग पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए जल्द वेतन भुगतान करने का आश्वासन दिया। इसके बाद रजिस्ट्रार ने संविदा कर्मियों के नियमित वेतन भुगतान के लिए वित्त पदाधिकारी विजयमल प्रसाद और लीगल कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राजेश तिवारी से विचार विमर्श किया और आंतरिक स्रोत से वेतन देने की बात कही। वहीं रजिस्ट्रार ने संविदा कर्मियों से कहा कि कार्य में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और लापरवाह कर्मियों को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। विश्वविद्यालय जल्दी कर देगी इसका भुगतान और इसका जो सॉल्यूशन है मैंने बता दिया है फाइनेंस ऑफिसर और मेरे SO अकाउंट्स को और जल्दी हो जाएगा क्योंकि 2 महीने से इनको भी सैलरी नहीं मिली थी और मैंने जितने संविदा कर्मी हैं उनको मैंने एक हिदायत भी दिया हुआ इनको क्योंकि कुछ संविदा कर्मी ऐसे हैं जिनकी कार्य से मैं जो मुझे खुशी नहीं है मुझे अच्छा नहीं है। मैंने उनको भी बता दिया है कि भाई आप अगर आपका काम काज ठीक नहीं रहेगा सेटिस्फैक्ट्री नहीं रहेगा तो मैं हिचकूंगा नहीं आपको टर्मिनेट भी कर दूंगा मैं। कहलगांव अनुमंडल के सनोखर थाना पुलिस ने मोटरसाइकिल से शराब की तस्करी कर रहे 3 युवक को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए युवक के पास से पुलिस ने 75 बोतल विदेशी शराब को बरामद किया है। दरअसल सनोखर में पुलिस द्वारा सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान 3 बाइक की डिक्की से पुलिस ने झारखंड निर्मित विदेशी शराब को बरामद किया। सनोखर थाना अध्यक्ष रंजीत कुमार ने बताया कि कहलगांव पठानपुरा निवासी कृष्ण कुमार, सबौर रानी तालाब निवासी नीतीश कुमार और नगछिया भवानीपुर के विकास कुमार को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पुलिस ने 3 गाड़ी को जब्त कर आरोपियों को जेल भेज दिया है। बांका के अमरपुर थाना क्षेत्र सहुआ गांव में करंट लगने से युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सहुआ गांव निवासी सालिग्राम दास ठेले पर आलू लेकर भड़को हाट जा रहा था। इसी दौरान भड़को हाट के समीप करंट प्रभावित बिजली के खंभे से सालिग्राम सट गया। घटना में मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वहीं स्थानीय लोगों ने सबको पोल से अलग कर घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। GB कॉलेज नौगछिया में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा लगाए गए 7 दिवसीय विशेष शिविर का समापन हो गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के NSS समन्वयक डॉक्टर दीपो महतो ने की। समापन सत्र में डॉक्टर महतो ने कहा कि भारत के लोगों में बौद्धिक क्षमता है लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण की कमी है। आज भी लोग अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों से बाहर नहीं निकल पाए, जिसके कारण देश का विकास अवरुद्ध है। इस अवसर पर कॉलेज के प्राचार्य, प्रोग्राम ऑफिसर मोहम्मद मसर्रत हुसैन, डॉक्टर BK दास, डॉक्टर फिरोज समेत कई शिक्षक और छात्र मौजूद थे। चलते चलते फिर से एक नजर डालते आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज प्लॉट आसान मासिक किस्तों पर। भागलपुर पुलिस ने 24 घंटे के भीतर मुख्य हत्याकांड का किया खुलासा। अवैध संबंध को लेकर महिला ने की थी हत्या। बकरीद के दौरान विधि व्यवस्था को लेकर जोनल IG ने पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक। अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की कही बात। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर DM प्रणव कुमार ने बुनकरों को किया सम्मानित। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की दी जानकारी। खाना बनाने के दौरान कांवरिया पथ पर गैस सिलेंडर हुआ ब्लास्ट। एक कांवरिया की हुई मौत, एक की हालत गंभीर। और स्नातक में दाखिले को लेकर छात्रों ने जमकर काटा बवाल। NS जाम कर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।